किसी को नहीं मिलती। क्या बोला? लेकिन मुझे मिल गई। पता नहीं हर वीडियो में तेरी माँ बैकग्राउंड म्यूजिक में कहाँ से आ जाती है। पप्पा यार ये बहुत गलत बात है, आप मेरे को कभी भी पटाखे लेके नहीं देते हो, ऊपर से हर दिवाली मेरे को घर से भगा देते हो नानी के घर के लिए। बोलते हो मुझे और तेरी माँ को अकेला छोड़, हम तेरे लिए दिवाली की गिफ्ट बना रहे। पप्पा 8 साल होने को आए, आपने एक भी गिफ्ट नहीं दिया, ना मुझे ना मेरे बाकी के साथ भाई बहनों को। अरे अनुराधा कब बड़ा होगा? तुम्हारा कभी नहीं। अरे इसकी बात कर रहा हूं। पापा मेरे को पटाखे जलाने। अबे घर के डिसअपॉइंटमेंट, जिंदगी में पटाखे मत जला। पिछले साल मैंने तेरी माँ पे पटाखा फोड़ा, फिर तेरी माँ ने मुझे फोड़ा, न जाने मेरा क्या क्या तोड़ा। मैंने जैसे तैसे जोड़ा, लंगड़ा कर दिया मेरा घोड़ा, क्योंकि तेरी माँ ने लगा दिया मेरा जाने दे, फिल इन द ब्लैंक को ब्लैंक ही रहने देते। कुछ चीजें कही नहीं, कमेंट सेक्शन में लिखी जाती है। आगे बोल। पापा ये बहुत गलत बात है, आपके पास इतने पैसे। अरे शर्म कर बेटा, शर्म कर। जब हम तुम्हारी उम्र के थे, लो चालू हो गया इनका, तब हम इतने गरीब थे, इतने गरीब थे, हम जंगल में पैदा हुए थे। मेरा बाप टार्जन और मेरी माँ मोगली था। माँ बाप थे या बाप बाप थे? जब तेरा दादा टार्जन और तेरी दादी मोगली गुजरे, तो तेरे बाप को विल में सिर्फ केले के पत्ते देके गए थे। सोच इतनी गरीबी थी, केले के पत्ते पहन के घूमते थे। दिन में बकरी पत्ता खाती थी और रात को बंदर आके हमारा केला, हमारा केले का पत्ता खाता था। बेटा एक बात आज सुन ले मेरी, दिवाली पटाखों से नहीं मनाई जाती, दिवाली श्रद्धा से मनाई जाती है। लेकिन पापा श्रद्धा भी किसी पटाखे से कम नहीं लगती। अच्छा बताओ बच्चों, दिवाली पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? सफाई, पूजा, दिवाली की खर्ची। दिवाली पे सबसे इम्पोर्टेंट होता है दिवाली का होमवर्क।